ठीक। देखो यूनिट्स एंड डायमेंशन में लास्ट टाइम कौन सा फॉर्मूला किया था, एक बार चेक करके बताओ। प्रेशर का। ओके, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने फॉर्मूला किया था प्रेशर का। प्रेशर का फॉर्मूला क्या था? फोर्स अपॉन एरिया, एम एल टी माइनस टू अपॉन एरिया का एल टू। तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ये आपने लिख लिया था लास्ट टाइम। कोई डाउट इसमें? ठीक है, इसके बाद शुरू करना है हमने। प्लीज साइलेंस। ठीक, याद है, क्लियर है। तो अब नेक्स्ट फॉर्मूला से स्टार्ट करेंगे प्रेशर के बाद। अब एक चैप्टर आएगा प्लस वन में, नवंबर के आसपास आता है, जिस चैप्टर का नाम है इलास्टिसिटी। उसके कुछ फॉर्मूलाज बताने जा रहा हूं आपको। वो थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, एंड में फॉर्मूला लिखेंगे। वो इसलिए बता रहा हूं ताकि थोड़ा सा बैकग्राउंड पता होगा तो फॉर्मूलाज को याद नहीं करना पड़ेगा, सीधा ही आप उसको लिख पाएंगे। तो इलास्टिसिटी के अंदर क्या सिखाया जाता है? एक टर्म आती है जिसको बोलते हैं स्ट्रेस, स्ट्रेस, और एक टर्म आती है जिसको बोलते हैं स्ट्रेन, स्ट्रेन। ठीक, ये बाद में आप लिखना कुछ नहीं, आप ध्यान से देखना। स्ट्रेन बेसिकली किसको बोलते हैं? देखो, जो स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन का मतलब होता है कि चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। एक सेकंड देना यार। देखो, जो स्ट्रेन है इसका मतलब होता है चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय इट्स ओरिजिनल डायमेंशन। मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूं इसका मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक वायर है, इलास्टिक वायर है, आपने एक सीलिंग के साथ, छत के साथ बांध रखा है। आपने इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे फोर्स एफ को लगाया और आपने देखा ये वायर थोड़ी लंबी हो गई, खींच के आपने लंबा कर दिया, पतली हो गई पर लंबी हो गई। तो वायर की लेंथ पहले कितनी थी? L। अब वायर की लेंथ कितनी है? L डैश। और इंक्रीज इन लेंथ L डैश माइनस L। ठीक, इसको डेल्टा L यानी कि चेंज इन लेंथ बोलते हैं। क्लियर है यहां तक? तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस वायर की कौन सी डायमेंशन चेंज हुई, आप बोलेंगे लेंथ चेंज हुई। तो चेंज इन लेंथ क्या हुआ इसमें? डेल्टा एल। ओरिजिनल लेंथ क्या है इसमें? एल। तो ये इस वायर का क्या माना जाएगा? स्ट्रेन। तो स्ट्रेन का मतलब कितनी लेंथ चेंज हुई अपॉन ओरिजिनल लेंथ। कई लोग बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ लेंथ कितनी चेंज हुई। हाँ, ये फ्रैक्शन ऑफ लेंथ चेंज को स्ट्रेन बोला जाता है। मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक स्फेयर है, एक स्फेयर को आपने हर तरफ से कंप्रेस किया, दबा दिया बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ एफ। ये स्फेयर पहले वी वॉल्यूम का था, दबाने से क्या हुआ? इसका वॉल्यूम छोटा हो गया, डेंसिटी बढ़ गई, वॉल्यूम छोटा हो गया, वी डैश हो गया। तो अगर मैं बोलूं कि चेंज इन वॉल्यूम कितना है, तो वी माइनस वी डैश। तो अगर मैं बोलूं कि इसमें स्ट्रेन कितना प्रोड्यूस हुआ, तो आप बोलेंगे चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। क्योंकि कौन सा डायमेंशन चेंज हुआ? वॉल्यूम। तो चेंज क्या हुआ? वॉल्यूम में डेल्टा वी, और ओरिजिनल कितना है? वी, यानी कि फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम चेंज को क्या बोलते हैं? क्लियर है यहां तक? तो कोई चीज कितनी चेंज होती है अपन ओरिजिनल वैल्यू को स्ट्रेन बोलते हैं। इसमें स्ट्रेन नेगेटिव होता है, इसमें पॉजिटिव होता है। हम कौन सा वैल्यू निकालने जा रहे हैं? मैं तो डेफिनेशन बता रहा हूं। वैसे वो निकालना ही नहीं स्ट्रेन, तो आपने वो तो चैप्टर में दिखाऊंगा प्लस माइनस कब लेते हैं। इतनी डीप में थोड़ा जाऊंगा, स्ट्रेन थोड़ा निकालना सिखा दूंगा। बता रहा हूं कि मेरे को तो यूनिट्स बताने हैं, माइनस प्लस मुझे वैल्यू थोड़ा बतानी है। मेरे को ये बताना है कि देखो ये मीटर में होता है, ये भी मीटर में होता है, स्ट्रेन के यूनिट्स नहीं होते। देखो ये वॉल्यूम है अपॉन वॉल्यूम है, तो इसके भी यूनिट्स नहीं होते। बस ये बताना है, मैंने ये नहीं बताना इसकी वैल्यू कितनी आई है। मैं कोई चैप्टर थोड़ा ओपन करूंगा इसमें। हाँ, वैसे ये नेगेटिव है। अगर चीज छोटी हो रही है तो स्ट्रेन नेगेटिव है, बड़ी हो रही है तो स्ट्रेन पॉजिटिव है। पर मैं उसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं चाहता हूं। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि देखो नहीं होते, यानी कि अगर डायमेंशनल फॉर्मूला ये मीटर में मेजर करोगे तो L, डिनोमिनेटर को भी L, तो आंसर क्या आएगा? 1। अगर आप वॉल्यूम को मेजर करोगे L क्यूब और नीचे भी L क्यूब, तो आंसर फिर से क्या आएगा? 1। तो मैं ये सिर्फ इतनी सी चीज बताना चाहता हूं कि देखो स्ट्रेन के कोई यूनिट्स नहीं होते और ना ही इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला होता है।
और रही बात स्ट्रेस की, स्ट्रेस का फॉर्मूला सेम एज प्रेशर, जिसको बोलते हैं फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, सेम होता है। आपको कैसे प्रेशर क्यों नहीं बोलते? सॉलिड्स के अंदर प्रेशर नहीं बोला जाता, स्ट्रेस बोला जाता है। लिक्विड के अंदर प्रेशर बोला जाता है, लिक्विड का प्रेशर है, सॉलिड का स्ट्रेस है। तो अगर कोई बोले कि इस वायर में कितना स्ट्रेस है, तो कितनी फोर्स अप्लाई की, कितने क्रॉस सेक्शनल एरिया पे अप्लाई की, फोर्स बाय एरिया, ठीक, फोर्स अपॉन ये शेडेड एरिया इसका स्ट्रेस है, और ऐसी इसमें फोर्स अपॉन सरफेस एरिया 4πr² इसका स्ट्रेस है। पर आपको निकालना थोड़ी ना है, मैं कोई वैल्यू थोड़ा निकालने सिखा रहा हूं, बस मैं ये बता रहा हूं कि स्ट्रेस का फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम होता है जो किसका होता है, प्रेशर का होता है। क्लियर है यहां तक? तो अब आपने लिखना क्या है ये समझ लो, आपने कुछ नहीं, आपको ये कुछ नहीं चाहिए, ये हम चैप्टर के अंदर ही डिस्कस करेंगे जब इनकी वैल्यूज को निकालेंगे। तो नेक्स्ट फॉर्मूला आप लिखो प्लीज, नेक्स्ट फॉर्मूला इज स्ट्रेस। स्ट्रेस का फॉर्मूला एक बार फिर से क्या, फोर्स बाय एरिया। तो डायमेंशन फॉर्मूला एग्जैक्टली क्या आएगा, सेम एज अबव, कोई डाउट इसमें? तो ये सिर्फ हिस्ट्री इसलिए बताता हूं ताकि आपके फॉर्मूलाज आपको याद ना करने पड़े, थोड़ा सा आपको ब्रीफ आइडिया पता हो। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि स्ट्रेस और प्रेशर एक ही बात है, इट विल रिमेन सेम। दूसरा जो नेक्स्ट फॉर्मूला है, दैट इज स्ट्रेन। स्ट्रेन का फॉर्मूला बताया मैंने, चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। तो आप कोई मर्जी स्ट्रेन ले लो, तो मैंने क्या बताया, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा, वन, ना कोई यूनिट्स आएंगे और ना ही कोई डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा। और या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एम जीरो एल जीरो टी जीरो, जीरो एल जीरो। ठीक है, यहां तक आगे देखते हैं। अब एक ना साइंटिस्ट था जिसका नाम था हुक। हुक, हुक्स लॉ करके उसने एक लॉ बनाया। उसने बताया कि किसी भी बॉडी को अगर स्ट्रेस प्रोड्यूस किया जाए तो उसमें ना स्ट्रेन भी प्रोड्यूस हो जाता है। आप एक वायर को जब खींचते हो बाय अप्लाइंग अ स्ट्रेस, तो वायर में की वायर लेंथ लंबी हो जाती है, तो उसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस हो जाता है। तो जितना ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई करोगे, उतना ही उसका फ्रैक्शन चेंज हो जाएगा, उतना ही ज्यादा उसमें स्ट्रेन होगा। क्लियर है यहां तक? तो उसको ये पता था कि स्ट्रेस प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा इनटू स्ट्रेन। तो कांस्टेंट की वैल्यू क्या आएगी, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। ठीक, ये चैप्टर का नाम क्या था, इलास्टिसिटी। उसने इस कांस्टेंट का नाम दिया, इस कांस्टेंट का नाम है कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। तो नेक्स्ट फॉर्मूला नोट करो प्लीज, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। तो बोलो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। ठीक है ना? तो इस कांस्टेंट का नाम क्या है, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। कोई डाउट इसमें? ठीक, कांस्टेंट इज स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, इस कांस्टेंट का नाम क्या है, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो फॉर्मूला इज स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। अब स्ट्रेन का तो कुछ होता नहीं है, वन। स्ट्रेस का डायमेंशन फॉर्मूला हमें मालूम है कितना, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। इसका मतलब स्ट्रेस का डायमेंशन फॉर्मूला, प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला सेम। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? क्लियर है? जो प्रेशर का आएगा वो स्ट्रेस का आएगा, और वही कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का आएगा, क्योंकि स्ट्रेन का तो वन होता है, तो स्ट्रेस का ही कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का सेम हो जाएगा। कोई डाउट इसमें? फॉर्मूला याद रहेगा यहां तक? ठीक है, ठीक। अब हमने एक और चीज देखी
कि स्ट्रेन के मैंने आपको ना दो एग्जांपल लेके दिखाए थे। स्ट्रेस का तो फॉर्मूला हालांकि क्या था, फोर्स बाय एरिया, यही था ना, स्ट्रेस की जगह फोर्स बाय एरिया। स्ट्रेन मैंने आपको दो एग्जांपल से समझाया, एक में फॉर्मूला क्या बनाया था, डेल्टा एल बाय एल, और एक में मैंने फॉर्मूला क्या बनाया था, डेल्टा वी बाय वी। ठीक ठीक है, दो 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 टाइप के स्ट्रेन थे, एक लेंथ में था और एक वॉल्यूम में था। तो दो टाइप के स्ट्रेन मैंने पुट किए, इसका मतलब कोफिशियंट ऑफ इलास्टिसिटी दो टाइप का आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का चेंज हो रहा है, तो ये फ्रैक्शन भी ऑब्वियसली अलग अलग आंसर देगी। तो अगर तो आप लेंथ वाला स्ट्रेन यूज करते हो, लेंथ वाला, तो इस कोफिशियंट ऑफ इलास्टिसिटी का नाम चेंज हो जाएगा, इसको बोलते हैं यंग्स मॉडुलस, क्योंकि यंग साइंटिस्ट ने काम किया था, उसने अपने नाम से ही नाम रख दिया कोफिशियंट ऑफ इलास्टिसिटी का यंग्स मॉडुलस। तो मतलब बात एक ही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, नाम में चेंज हुआ। और अगर ये वाला फॉर्मूला यूज करते हो तो कोफिशियंट ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला का नाम चेंज हो जाएगा, इसका नाम होगा बल्क मॉडुलस। ये उस इलास्टिसिटी चैप्टर में स्टडी करेंगे, तो आपको इतना कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि यार ये क्या पता नहीं क्या थ्योरी स्टार्ट हो गई, आपको चाहिए कहाँ। मैं तो सिर्फ ये सिखाऊंगा आपको कि कोफिशियंट ऑफ इलास्टिसिटी अगर आता है, आपको कोई फॉर्मूला याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर कोफिशियंट ऑफ इलास्टिसिटी आता है, उसका ये फॉर्मूला याद रखें, कोफिशियंट ऑफ इलास्टिसिटी की जगह अगर क्या आता है, यंग्स मॉडुलस आता है, या फिर क्या आता है, बल्क मॉडुलस आता है, जो मर्जी नाम चेंज कर दे, आंसर विल रिमेन सेम। क्या फर्क पड़ता है, तुमने कौन सा न्यूमेरिकल सॉल्व करना है यंग्स और बल्क का, वो तो नवंबर के अंदर देखेंगे जब आएगा। फिलहाल आपको कुछ नहीं चाहिए, ये नाम ही चेंज किया है, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है। तो बेसिकली चाहे क्वेश्चन में कोफिशियंट ऑफ इलास्टिसिटी आए तो भी स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, चाहे यंग्स मॉडुलस आए तो भी स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, चाहे बल्क मॉडुलस आए तो भी स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, तो आंसर तो क्या रहेगा, सेम। तो एटलीस्ट डायमेंशनल फॉर्मूला याद रखोगे, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन के साथ ही आएगा। हालांकि ये फॉर्मूला बहुत कम यूज होते हैं और मुझे लगता है यूज भी नहीं होंगे, बट एक्सेप्शनल केस है, अगर कोई टीचर डाल ही दे, एटलीस्ट पता होना चाहिए कि हमने ये टर्म सुनी हुई है। कोई डाउट है इसमें? तो ये इलास्टिसिटी के कुछ फॉर्मूलाज हैं, तो मजे की बात है कि एंड रिजल्ट इनका निकालना बड़ा आसान है। मैं थ्योरी नहीं भी बताऊंगा तो भी सिर्फ इससे काम चल जाएगा, और अगर मैं इतना भी बता दूं आपको, कोफिशियंट ऑफ इलास्टिसिटी आ जाए या ये आ जाए या ये आ जाए, एक ही फॉर्मूला है, तो भी आपको ओके ठीक है, एक ही फॉर्मूला है, क्योंकि आपको कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना नहीं है, आपको तो डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए, वो आप निकाल लोगे। यहां तक क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट दो फॉर्मूलाज और नोट करते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूलाज में, नेक्स्ट फॉर्मूला नोट करो, नेक्स्ट फॉर्मूला में पहला फॉर्मूला है वेलोसिटी ग्रेडियंट, और उसके अगला फॉर्मूला है प्रेशर ग्रेडियंट। याद रखना, अगर किसी के पीछे ग्रेडियंट लग जाता है, हम आने वाले टाइम में स्टडी करेंगे, उस टर्म को लेंथ से डिवाइड कर देते हैं। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब वेलोसिटी अपॉन लेंथ, और प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब बोलो प्रेशर अपॉन लेंथ। ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो वेलोसिटी ग्रेडियंट वेलोसिटी बाय लेंथ, प्रेशर ग्रेडियंट प्रेशर बाय लेंथ। अब आपको वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला तो पता ही है, एल टी माइनस वन डिवाइडेड बाय एल, तो एल से एल कैंसल, टी की पावर क्या आ गया, माइनस वन। क्लियर हो गया? और उसी तरीके से प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला मैंने जान के मिटाया नहीं था, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ये प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला है, डिवाइडेड बाय लेंथ। तो एम एल की पावर ऊपर गए जाएगी तो माइनस टू, टी की पावर माइनस टू। कोई डाउट इसमें? दो फॉर्मूलाज और नोट कर सकते हो, वेलोसिटी ग्रेडियंट और प्रेशर ग्रेडियंट। ये तो आपको याद ही नहीं करना, आपको तो फॉर्मूला याद करने हैं। तो जब ये फॉर्मूलाज आएंगे, आपको पता होना चाहिए कि ये प्रेशर ग्रेडियंट और वेलोसिटी ग्रेडियंट में उन टर्म्स को लेंथ से क्या कर देना है, डिवाइड। क्लियर है यहां तक?
ठीक है आदर। नेक्स्ट फॉर्मूला इज रोटेशनल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। आपको नया फॉर्मूला याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपने हाफ एम वी स्क्वायर लास्ट टाइम सॉल्व किया था और हमने डिसाइड किया था कि जितने भी टाइप की एनर्जीज हैं या वर्क डन है जिनके यूनिट जूल होते हैं उनका डायमेंशन फॉर्मूला भी सेम है। तो आप चेक कर लो लास्ट टाइम का जो लेक्चर है, तो एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला हमने क्या निकाला था, एम एल टू टी माइनस टू, और मैंने कहा था चाहे रोटेशनल एनर्जी हो चाहे हीट एनर्जी हो फॉर्मूला विल रिमेन सेम। तो यहाँ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो या फिर लिख लो हीट एनर्जी हो, है तो ये टाइप ऑफ एनर्जी, तो इसलिए इनका डायमेंशन फॉर्मूला अलग फॉर्मूला नहीं याद करना, कोई भी फॉर्मूला लगा दो एनर्जी का, एम एल टू टी माइनस टू आंसर विल रिमेन सेम। आने वाला है अभी, उसको छोड़ के पॉइंट समझ में आया यहां तक, क्लियर है? तो हीट एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, सबका डायमेंशन फॉर्मूला सेम, ठीक। नेक्स्ट एक फॉर्मूला आएगा जिसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ एनर्शिया, मोमेंट ऑफ एनर्शिया। ये रोटेशनल मोशन में आएगा, मैं नहीं समझा पाऊंगा फिलहाल अभी से। इसका सिंबल बता देता हूं, आई होता है, और इसका फॉर्मूला होता है मास इनटू रेडियस का स्क्वायर। मास इनटू, तो बोलो डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा, मास का क्या बनेगा एम, और रेडियस किस में मेजर करते हैं, लेंथ में, तो लेंथ का स्क्वायर आंसर क्या आएगा, एम एल स्क्वायर, ठीक। तो मोमेंट इनर्शिया काफी यूज होता है डायमेंशनल फॉर्मूलाज में, पता होना चाहिए मोमेंट इनर्शिया एम एल स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? ठीक यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट एक टर्म आपने शायद केमिस्ट्री में सुनी होगी, प्लैंक्स कांस्टेंट। बोलो इसका फॉर्मूला क्या होता है। हाँ मैं पीटी कर रहा था, 6.6 पॉइंट करना शुरू करेंगे लोग, मैंने वैल्यू तो ना पूछी, मैंने कहा इसका फॉर्मूला क्या होता है। मैंने फिर कोई बात, मेरे को इससे लेना देना नहीं है कि आप सेब लेते हो और 2 किलो लेते हो या 4 किलो लेते हो, किलो में लेते हो, मेरे को यूनिट्स बताओ किस में लेते हो, केजी में लेते हो, केजी। पहले इसको खत्म कर दें, सेब बेचने पहले, केजी में लेते हो, तो 2, 4, 5 इस चैप्टर में कोई सिग्निफिकेंस नहीं रखता। हम इस चैप्टर में क्या डील कर रहे हैं उसके यूनिट्स क्या होंगे। मैं प्लीज पहले केजी का काम खत्म करूं, तो अगर एप्पल की बात हो रही है तो केजी के अंदर मैं कंसर्न्ड हूं। अब बात करते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट की। प्लैंक कांस्टेंट का नंबर क्या है मुझे नहीं बताओ, मुझे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए, मुझे इसका फॉर्मूला बताओ क्या होता है। एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी बोला इसने, या फिर एनर्जी एनर्जी इनटू टाइम, एक ही बात है क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज 1/टाइम। तो फॉर्मूला नोट करो, एनर्जी इनटू टाइम, एनर्जी क्या होती है एम एल टू टी माइनस टू, और टाइम क्या होता है टी, तो आंसर इज एम एल टू टी माइनस वन, ठीक। फॉर्मूला याद रखना है एनर्जी इनटू टाइम, केमिस्ट्री वाले आपको सिखाते होंगे, यूज किया होगा आपने, तो वहीं से आएगा ये, क्लियर है? इज इक्वल टू एच न्यू, हाँ ऐसे करते हो, ठीक है आदर। एक टर्म आएगी
जिसको बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है फोर्स डिवाइडेड बाय डिस्टेंस या लेंथ। तो एम एल टी माइनस टू फोर्स, और लेंथ का मतलब एल 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 कैंसल, एम टी माइनस टू आंसर। तो नेक्स्ट फॉर्मूला नोट करो, फोर्स कांस्टेंट, फोर्स अपॉन डिस्टेंस। ठीक है यहां तक? कोई डाउट है इसमें? ठीक, नेक्स्ट जो फॉर्मूलाज हैं उसको लिखने से पहले इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूं। एक चैप्टर आएगा प्लस वन में, नवंबर के आसपास आता है वो भी, जिस चैप्टर का नाम है सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन क्या होती है वो करने से पहले एक फॉर्मूला याद आया मुझे, लिखो टेंशन। टेंशन ये वो टेंशन नहीं है जो पेपर से पहले होती है, ये वो टेंशन है कि अगर एक रस्सी है, आप एक स्ट्रिंग को खींचते हो तो स्ट्रिंग टाइट हो जाती है, ठीक, स्ट्रिंग में फोर्स आ जाती है, और कभी कभी तो स्ट्रिंग टूट जाती है ज्यादा फोर्स लगा दोगे। तो रस्सी के अंदर जो फोर्स डेवलप होती है उसको फोर्स नहीं बोलते, उसको टेंशन बोलते हैं। तो टेंशन एंड फोर्स इज वन एंड द सेम थिंग। सर इज फोर्स एम एल टी माइनस टू, कोई डाउट इसमें? तो स्ट्रिंग की टेंशन या स्ट्रिंग की फोर्स वन एंड दी सेम थिंग। टेंशन एंड फोर्स एक ही बात होती है, रस्सी के अंदर फोर्स को टेंशन बोलते हैं, फोर्स नहीं बोलते, वैसे फोर्स बोलते हैं पर रस्सी की फोर्स को टेंशन बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट करने से पहले एक चीज समझते हैं, आपके पास एक चैप्टर आएगा जिसको सरफेस टेंशन बोलते हैं। ये सरफेस टेंशन क्या होती है, एक इसको एक लाइन में समझाता हूं, हालांकि एक हफ्ते का चैप्टर है ये, इलास्टिसिटी भी कम से कम एक हफ्ते का काम था जो हमने किया, वन वन वीक लगेगा एक एक फॉर्मूले पे, एक एक हफ्ता, अभी तो बस एक लाइन देके छोड़ रहे हैं इसे। तो सरफेस टेंशन के लिए इमेजिन करो आपके पास एक पानी का कंटेनर है, ये पानी का जो कंटेनर है इसके अंदर पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, और रेस्ट पे है पानी का गिलास। जब रेस्ट पे पड़ा होगा या कहीं आप खड़ा हुआ पानी देखेंगे तो ऑब्वियसली मॉलिक्यूल मूव थोड़ा कर रहे हैं, बिल्कुल स्टेशनरी दिखेंगे आपको। वो इसलिए क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल के आसपास बहुत सारे पानी के मॉलिक्यूल हैं, और ये मॉलिक्यूल इसे अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसे अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसे, ये इसे, ये इसे, तो जितनी फोर्स से ये अट्रैक्ट कर रहा है एग्जैक्टली उतनी फोर्स से ऑपोजिट का मॉलिक्यूल अट्रैक्ट कर रहा है। तो अल्टीमेटली नेट फोर्स इसके ऊपर क्या हो जाती है, जीरो। हर कोई बराबर तरीके से खींचता है और बराबर वैल्यू से खींचता है तो नेट फोर्स जीरो, तो पानी रेस्ट पे ही पड़ा दिखेगा आपको। लेकिन सोचो उन मॉलिक्यूल्स का क्या हुआ जो बिल्कुल सरफेस के बाउंड्री के ऊपर है, क्योंकि बाउंड्री के नीचे या साइड पे इन्हें कौन खींच रहा है, पानी के मॉलिक्यूल खींच रहे हैं, ऊपर कौन खींच रहा है, एयर का मॉलिक्यूल खींच रहा है। अब नीचे पानी खींच रहा है, ऊपर एयर के मॉलिक्यूल खींच रहे हैं, पानी और पानी की फोर्स बड़ी होती है, पानी और एयर की फोर्स छोटी होती है, एयर नहीं खींच पाती ज्यादा। सोचो एयर अगर ज्यादा खींच पाती, आपने पानी पीने के लिए डाला, एयर ने खींच लिया, मॉलिक्यूल उड़ गए, पानी रुकेगा ही नहीं, इसका मतलब पानी और पानी की फोर्स ज्यादा बड़ी होती है, तभी पानी टिका रहता है ग्लास में। हाँ इवेपोरेशन अलग बात है, वो अलग बात है, उसके वो टेम्परेचर रिलेटेड है, बट पॉइंट समझ में आ रहा है। अब इस टॉप के मॉलिक्यूल्स की एक समस्या है कि जो ये वाला मॉलिक्यूल है इसकी नेट फोर्स जीरो है, हर तरफ से बराबर फोर्स है, जो टॉप की सरफेस के मॉलिक्यूल हैं उनको पानी की फोर्स ज्यादा मिल रही है, एयर खींच नहीं पा रही, तो अल्टीमेटली टॉप के मॉलिक्यूल थोड़ा सा नीचे हो जाएंगे, नीचे फोर्स ज्यादा होगी, पानी खींच नहीं पाया, हल्का सा नीचे हो जाएंगे, और नीचे और पानी के मॉलिक्यूल मिलेंगे, तो ये जो पानी के मॉलिक्यूल टॉप मोस्ट सरफेस पे है वो नॉर्मल डिस्टेंस से थोड़ा टाइट हो जाएंगे, क्योंकि ऊपर के मॉलिक्यूल नीचे दब गए और नीचे और मॉलिक्यूल थे जिनके ऊपर नेट फोर्स जीरो है तो वही रहेंगे, तो टॉप की लेयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो टाइट हो जाएंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? क्लियर है?
जब वो टाइट होंगे, मैं ये तो नहीं कहूंगा वो सॉलिड बन गए, पर इतना टाइट हो जाते हैं कि वो एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह काम करते हैं, एक स्किन की तरह हल्की सी परत आ जाती है। तो इस प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड को सरफेस टेंशन बोलते हैं। तो सरफेस के ऊपर फोर्सेस आ जाती हैं जो पानी के मॉलिक्यूल को टाइट कर देती हैं, और किसी लिक्विड में तो बहुत ज्यादा हो जाती है और उसकी सरफेस बहुत स्ट्रॉन्ग मेम्ब्रेन की तरह काम करती है, और किसी में थोड़ी कम होती है, किसी में होती नहीं। ये डिपेंड करता है कि अंदर पानी के मॉलिक्यूल एक दूसरे पे कितनी फोर्स लगाते हैं। तो ये बेसिकली प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टेंशन है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक मॉस्किटो, आपने देखा होगा खड़ा हुआ पानी है, लाखों या हजारों में मॉस्किटोज बैठे हुए हैं, तैरना थोड़ी ना आता है मच्छर को, कभी आर्किमिडीज प्रिंसिपल थोड़ा लगा के चल रहा है कि वो पानी को डिस्प्लेस कर रहा है, वो तो बैठे है कि पानी के ऊपर, अगर वो बैठे तो हम नहीं बैठ सकते जाके, हम तो डूब जाते हैं, क्यों भाई, वो भी तो बैठा ही है ना। इसलिए उसका मास कम है, वेट कम है, तो वेट कम से क्या प्रॉब्लम है, पानी तो डुबो ही देगा, फिर क्या हो गया, आर्कमिडीज कहता है जितना उसका वेट है उतना पानी डिस्प्लेस नहीं कर पाया, वो डूब जाएगा, आर्कमिडीज तक तो पहुंचा ही नहीं क्योंकि ऊपर की सरफेस डिस्टर्ब नहीं की उसने, ऊपर के मॉलिक्यूल बहुत टाइट है, और टाइट है तो स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह काम कर रहे हैं, तो आराम से जाके बैठ गया, उसके लिए तो वो सॉलिड की तरह काम कर रहा है सरफेस, मतलब मेम्ब्रेन उसके लिए बहुत सख्त सरफेस मानी जाती है। लेकिन अगर आप पानी को हिला दो हल्का सा, डिस्टर्ब कर दो, उड़ जाएंगे क्योंकि वो तैरना नहीं आता, जो बच गए वो डूब जाएंगे, फिर मर भी जाते हैं, कई मरे मिलते हैं आपको, क्योंकि वो चलते पानी के अंदर चले जाते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो बेसिकली ये बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन है कि टॉप की जो सरफेस है वो एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह काम करना शुरू कर देती है, क्योंकि टॉप की सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़े टाइट हो जाते हैं। क्लियर यहां तक? तो उस चैप्टर में ऐसा कुछ स्टडी होने वाला है। तो इंटर और इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस की गेम है ये सारी, तो उस चैप्टर में तो यही सिखाया जाता है, पर अभी मेरे मतलब की चीज ये नहीं है। जो लिक्विड ये प्रॉपर्टी ज्यादा शो करती है और मेम्ब्रेन मतलब मॉलिक्यूल टाइट ज्यादा कर देती है, एक अच्छा खासा मेम्ब्रेन की तरह सरफेस एक्ट करता है, हम बोलते हैं उसकी सरफेस टेंशन ज्यादा है, और जो कम कर पाती है उसकी सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी कम है। अब सपोज करो टॉप की सरफेस है, पानी की सरफेस है, ये पानी भरा हुआ है यहाँ पे टॉप तक, मैंने इमेजिन किया एक लाइन खींच ली, इमेजिनरी लाइन है, कोई लाइन नहीं है, पानी की सरफेस की वो मॉलिक्यूल ले लिए जो इस लाइन के आर और पार है, इस तरफ और इस तरफ है, ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, ये इसे खींच रहा है तो ये इसे खींच रहा है, दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं, और मुझे समझ में आ रहा है कि जितनी लंबी लाइन लूंगा इमेजिनरी उतने मॉलिक्यूल कंसिडर किए जाएंगे, लाखों मॉलिक्यूल आ जाएंगे लंबी लाइन में, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इनकी आपस की जो फोर्स है, इनमें जो आपस की जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, क्योंकि जितनी बड़ी लेंथ होगी उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंसिडर किए जाएंगे और फोर्स भी उतनी ज्यादा आएगी, तो अगर लेंथ छोटी होगी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम हो जाएंगे तो आपसी फोर्स कम होगी, और लेंथ अगर ज्यादा होगी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लेंथ के अलोंग ज्यादा होंगे तो फोर्स ज्यादा होगी, और साथ में डिपेंड करता है, क्योंकि एक कांस्टेंट आएगा, प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो कांस्टेंट आएगा, तो कांस्टेंट को बोलते हैं टी इनटू लेंथ, इस कांस्टेंट का नाम है सरफेस टेंशन। तो ये डिपेंड करेगा कि ये मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स है वो नेचर ऑफ लिक्विड पे भी डिपेंड करेगा, कई मॉलिक्यूल की सरफेस टेंशन ज्यादा है तो उनमें आपसी फोर्स ज्यादा है, कई मॉलिक्यूल में आपसी फोर्स कम है क्योंकि उनकी सरफेस टेंशन कम है, तो ये तो नेचर है उनकी। अब मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल, एक लिक्विड का मॉलिक्यूल दूसरे लिक्विड के मॉलिक्यूल को नहीं खींचता, अब वो तो बना ऐसा हुआ, नहीं खींचता तो नहीं खींचता, कोई कुछ ज्यादा ही खींच लेता है, अब ये हमारे हाथ में नहीं है, ये तो अब नेचर के हाथ में है, तो इसलिए हमने इसका नाम क्या दे दिया, टी। लेंथ तो बराबर है, अब मान लो अगर पानी का मॉलिक्यूल लेते हो एल लेंथ पे, तो पानी के मॉलिक्यूल की सरफेस टेंशन कम होती है तो फोर्स उनमें कम लगती है मॉलिक्यूल्स में। मरकरी लेते हो, मरकरी तो चिपकती जाती है, मरकरी तो इतनी ज्यादा मरकरी से चिपकती है कि आपने अगर देखा होगा थर्मोमीटर टूटता है तो मरकरी से अटैच होती है, एकदम खींच लेती है मरकरी, नहीं देखा कभी? अच्छा, थर्मोमीटर जब टूटता है तो उसमें मरकरी बहुत डेंजरस है, वैसे वो दूर रहना चाहिए, तो बेसिकली क्या है कि वो मरकरी के ड्रॉप्स बन जाते हैं, आप मरकरी मरकरी को मिलाओगे फटाफट बड़ा ड्रॉप खींच लेगा, और मजे की बात है मरकरी के लिक्विड टब भर दो मरकरी से, गीली मरकरी से, अपना हाथ बीच में डाल दो बाहर निकाल दो, सूखा निकलेगा, वो आयरन मैन और वो मूवीज में दिखाते भी तो है,
वो लिक्विड में जाता है और बाहर आता है, कुछ भी नहीं होता, उसे गीला होता ही नहीं, क्योंकि मरकरी के अंदर जब जाओगे तो मरकरी मरकरी की फोर्स इतनी ज्यादा है कि आपका हाथ उस मरकरी के मॉलिक्यूल को खींच नहीं पाया, मरकरी नहीं छोड़ा मरकरी को, तो गीला ही नहीं होता हाथ। पानी का पानी पानी की फोर्स थोड़ी कमजोर होती है, मैं अपना हाथ डालूंगा ना, मेरी बॉडी के मॉलिक्यूल पानी के मॉलिक्यूल को खींच लेते हैं, तो मेरा हाथ गीला हो जाता है। तो वेटिंग ऑफ सरफेस का एक टॉपिक आएगा इसमें, उसमें ये बताया जाता है कि हाथ कब गीला होता है, कब नहीं गीला होता है, कब बॉडी गीली होती है, नहीं गीली होती, वो डिपेंड करता है कि मरकरी मरकरी इतनी स्ट्रांग फोर्स होती है कि वो छोड़ती नहीं एक दूसरे को। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? चलो लंबी स्टोरी होगी, अभी नहीं करना। तो कहने का मतलब अपने को क्या चाहिए, अपने को नेक्स्ट टॉपिक चाहिए या नेक्स्ट सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला बोलो क्या बनेगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ। बन गया, फोर्स का मतलब एम एल टी माइनस टू, लेंथ का मतलब एल, एल से एल कैंसल, एम टी माइनस टू। तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला एम टी माइनस टू। फॉर्मूला याद रहेगा, बहुत यूज होता है सरफेस टेंशन, फॉर्मूला लिख लो और इंपॉर्टेंट है। ठीक, ठीक। नेक्स्ट फॉर्मूला इज सरफेस एनर्जी। आपको कैसे ये तो आता है, मैंने कहा कैसे, कहते एनर्जी एनर्जी होती है जो मर्जी एनर्जी। मैंने कहा था सारी एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला सेम है एक्सेप्ट एक, जिसका नाम है सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी कहाँ यूज होती है मैं बता देता हूं एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ। सपोज मेरे को वर्क डन निकालना आएगा, अभी आएगा नवंबर के अंदर करेंगे, फिर से सेम चैप्टर सरफेस टेंशन का ही पार्ट है। वो कहेगा वर्क डन निकाल लो, आपको कहे ठीक है वर्क डन में क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन है। टास्क पता है क्या दिया वर्क डन निकालने का, वो बच्चे खेलते हैं बबल्स फुलाते हैं, 10 रुपए की शीशी मिलती है साबुन के, उस पर डबो एयर ब्लो करो तो बबल्स ही बबल्स है। तो कह रहे हैं साबुन के अंदर एक वो रिंग को डालो, उसमें साबुन की लेयर आ गई, एयर ब्लो करो बबल फूलेगा, बहुत बड़ा फूल गया, हवा में उड़ गया। आपने कितना वर्क डन किया अपने मुंह से एयर ब्लो करके, कैलकुलेट कर दो। हाँ यही फिजिक्स है, यही सिखाएंगे आपको। अब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट तो लगेगा नहीं, अब इस तरीके के क्वेश्चन को क्या करोगे, तो इसके लिए काम आएगी सरफेस एनर्जी। तो सरफेस एनर्जी वहां काम आती है, इसका फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ वर्क डन अपॉन एरिया, कि कितना बड़ा आपने वो बबल को फुला दिया और कितना वर्क डन किया, इसकी रेशियो को सरफेस एनर्जी बोलते हैं। पर मैं अभी ज्यादा डीप में नहीं लेके जाऊंगा ये क्या होती है कैसे करेंगे, अभी प्लीज ज्यादा डीप में नहीं जाना। फॉर्मूला याद रहेगा, वैसे एनर्जी के फॉर्मूले सेम होते हैं, बस सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला वर्क डन या एनर्जी अपॉन एरिया होता है। तो वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, एम एल टू टी माइनस टू, एरिया का एल स्क्वायर, तो आंसर क्या आ गया, एम टी माइनस टू। और मजे की बात है फोर्स कांस्टेंट और सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला डायमेंशनल एकदम सेम है, कोई मर्जी फॉर्मूला चला दो सब चल पड़ेगा इसमें। ठीक, कितने फॉर्मूले हो गए? ठीक है, अभी और पड़े हैं, 45 तक तो करने ही है, अभी खत्म हो जाएगा 15 मिनट के अंदर। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? लिक्विड के चैप्टर के अंदर एक और टर्म आएगी और वो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और बहुत ज्यादा यूज भी होती है। और नेक्स्ट क्वांटिटी का नाम